बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो कि गैसेस का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रहण्स ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्रहण्स ऑफ डिफ्यूजन बेसिकली एक स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे जो कि थॉमस ग्रहम नाम के साइंटिस्ट थे। बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने ये लॉ पेश किया था डिफ्यूजन और अफ्यूजन के अकॉर्डिंगली। तो पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी डिफ्यूजन और अफ्यूजन। डिफ्यूजन में हम लोगों ने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर। डिफ्यूजन में हम लोगों ने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू टिनी होल, एस्केप ऑफ पार्टिकल्स थ्रू टिनी होल, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। तो वो बेटा हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी वो सिर्फ सिंपली डिफ्यूजन और अफ्यूजन को पढ़ा था। फिर डिफ्यूजन होती क्या है, अफ्यूजन होती क्या है, तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ना है, ग्रहम्स ऑफ डिफ्यूजन एंड अफ्यूजन के अंदर हम लोगों ने बुनियादी तौर के ऊपर पढ़ना है रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ अफ्यूजन। रेट मतलब स्पीड देखनी है, टाइम के हिसाब से कितनी स्पीड के साथ कोई भी चीज मूव कर रही है उसको हम लोगों ने देखना है। पर यूनिट टाइम हम लोग देखेंगे ना, मखसूस टाइम के अंदर कोई भी पार्टिकल्स कितना एरिया कवर कर रहे हैं वो हम लोगों ने यहां पर देखा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो इसकी डेफिनेशन अगर करते हैं तो उन्होंने बोला है हमें रेट, रेट मतलब क्या है उसकी स्पीड, किसकी, डिफ्यूजन या अफ्यूजन की। रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन इज इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी कि सादा लफ्जों में क्या है कि अगर हम लोगों ने किसी भी गैस के पार्टिकल की डिफ्यूजन को या फ्यूजन को देखना होगा तो वो कैसे देखेंगे, वो देखेंगे स्पीड ऑफ रूट ऑफ इट्स डेंसिटी के जरिए से वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही। इसी की फिर हम लोग अगर मैथमेटिकल फॉर्म को देखें तो उसके मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन आर Diffusion is inversely proportional to square root of its density. ठीक है, square root of its density. Density के square root के inversely proportional होता है। अब हम लोगों ने rate of diffusion और diffusion को इतनी बड़ी लाइन में लिखा हुआ, इसको सिंपली r के साथ लिखें समान आप। That is inversely proportional to square root of its density. यानी कि बुनियादी तौर के ऊपर यहां पर बात समझने वाली ये है कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो गैस के पार्टिकल्स की हरकत हो वो कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो साथ ही उनके जो रेट होगा उनकी जो स्पीड होगी वो बढ़ते। हम लोगों ने आगे देख रहे हैं बड़ी प्रीवियसली भी देखा था कि डेंसिटी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। डेंसिटी मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर मैस ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, या मैस ज्यादा होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है वही गैस के पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जैसे हम लोग एग्जांपल में कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन गैस है H2, इसका मास कितना होता है 2 ग्राम। ऑक्सीजन O2, इसका मास 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मास 44 ग्राम। तो अब इसमें सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसकी होगी, सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन देखेंगे। डिफ्यूजन एक लगा टर्म है, रेट लेना है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका मैस कम है बेटा, सबसे कम मैस है हाइड्रोजन का, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर चीज वही है कि डेंसिटी हाइड्रोजन की कम है, इस वजह से इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, ऑक्सीजन की उससे ज्यादा डेंसिटी है, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम डेंसिटी है तीनों में से, दैट्स व्हाई उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम होगा। ये चीज बेटा उन्होंने यहां पे बयान की। फिर आप लोग प्रोपोर्शनल के सिंबल को खत्म करेंगे, जब खत्म करेंगे तो यहां पर कॉन्स्टेंट लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे और कॉन्स्टेंट लगाएंगे, कॉन्स्टेंट जो होगा वो के आएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी इधर डिवाइड हो रही है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी, के इज इक्वल टू आर इन टू डी का स्क्वायर, डेंसिटी का स्क्वायर। हम लोग यहां पे करते ही है बेटा, हम लोग दो गैसेस ले लेते हैं, एक हम लोगों ने ले ली गैस 1
दूसरे हम लोगों ने ले ली पिंड गैस, हो सकती है उसको हम लोग यहां पे सिंपली सपोज कर रहे हैं एक गैस को गैस वन, दूसरे को गैस टू। अब जो गैस वन बनी है उसके लिए कॉन्स्टेंट वो चीज होती है जो बेटा तब्दील ना हो, तो ये तो तब्दील नहीं होगा। गैस वन के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन आर वन, डेंसिटी उसकी डी वन, डिस्कस करो। फिर इसी तरीके से गैस टू के लिए आर टू डी टू, डिस्कस करो। अब क्या है, गैस वन है और गैस टू है, इनमें जो प्रोडक्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन और स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी का, वो क्या है कॉन्स्टेंट के बराबर है। तो जब कॉन्स्टेंट के बराबर है इनको हम लोग आपस में कंपेयर करवाएंगे, जब आपस में कंपेयर करवाएंगे आर वन डी वन का स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा आर टू डी टू का स्क्वायर रूट। आर को एक साइड पे रख ले, डी को दूसरी साइड पे ले जाए, R1, R2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था बेटा दूसरी साइड पे डिवाइड, इधर D2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय ये D1 का स्क्वायर रूट इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। या इसको ये वाली जो है ना इसको हम यू भी लिख सकते हैं, R1 ओवर R2 ये तो आ जाएगा, इसको लिख दें D1 D2 ओवर D1 होल का स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट भी हम लोग लगा सकते हैं। अकेले अकेले क्या लगाना हो तब भी खैर है, इकट्ठे का लगाते तो भी हमारे लिए ख्याल। फिर इसके बाद क्या है बेटा, हम लोगों के पास अगर कोई भी गैस दे देता है ना, जैसे वो बोल देता है हाइड्रोजन है इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करके दो, ऑक्सीजन का मालूम करके दो, कार्बन डाइऑक्साइड का मालूम करके दो, या कोई भी चार से पांच गैसेस हमें दे देता है वो बोलता है रेट ऑफ डिफ्यूजन मालूम करके दो, या वो हमें ये बोलेगा कि आप लोग बताओ इन तीनों गैसेज में या इन चार गैसेज में या इन पांच गैसेज में सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे, वो हम लोगों को पहले डेंसिटी मालूम करनी पड़ेगी, डेंसिटी मालूम हो जाएगी फिर जाकर हम लोग उनके वैल्यूज को मालूम कर सकते हैं। तो इसी डेंसिटी को मालूम करने के बजाय हम लोगों ने यहां पर पढ़ा है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास से। तो अगर हमें गैसेज का जो मोलर मास है वो पता, डेंसिटी के अगर मोलर मास का पता हो हमें तो क्या होगा, मोलर मास जो होता है ना ये हमारे पास बुनियादी तौर के ऊपर गैसेस का मोलर मास जो है वो इक्वल होता है टू इंटू वेपर डेंसिटी, टू इंटू वेपर डेंसिटी के ये इक्वल होता है बुनियादी तौर के ऊपर। फिर हम लोग यहां पे ये भी देखते हैं कि ये टू है ये कंपेयर करेंगे तो वो तो आपस में से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मोलर मास है वो किसी भी डेंसिटी का टू इंटू वेपर प्रेशर होता है। हम लोगों ने सादा लफ्जों में ये समझना है बेटा कि डेंसिटी चूंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी बढ़ती जाती है, हम लोग मोलर मास गैसेस का ले लेंगे उसी मोलर मास के साथ हम लोग सपोज कर लेंगे वो डेंसिटी के इक्वल है, तो मोलर मास के बढ़ने के साथ डेंसिटी सेम इफेक्ट देगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर डेंसिटी का सेम इफेक्ट। फिर हम लोग अगर गैस वन है तो मोलर मास एम वन, गैस टू है तो मोलर मास जो गर्म एम टू हो जाएगा। फिर हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे आर वन ओवर आर टू दैट इज इक्वल टू एम टू डिवाइड बाय एम वन होल का स्क्वायर। अकेले अकेले भी ले सकते हैं, होल का भी ले सकते हैं, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा R1 over R2 is equal to M2 over M1 whole का स्क्वायर, ठीक है। ये तो था हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये बेटा इतना जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है अकेला, सम ऑफ द टाइम ये लॉन्ग में पूछता है लेकिन शॉर्ट में ये ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद इसी के अंदर से उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या डेमोन्स्ट्रेशन भी बोल सकते हैं उसको, या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का भी नाम दे सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्रहम्स लॉ, ये भी ग्रहम्स लॉ है, इसकी हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करनी है या इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग बेटा यहां पे यूं करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो कि 100 सेंटीमीटर लेंथ की होती है,
हम लोग हमेशा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा ना, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसको मालूम करेंगे वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम के हिसाब से कैसे? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, या आप लोग ये भी बोल सकते हो एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी मखसूस टाइम में कितना एरिया कवर किया वो उसका रेट होगा। वॉल्यूम यानी कि किसी मखसूस टाइम में कितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो भी उसका रेट होगा। तो हम लोग इस तरीके से रेट जो होता है ना वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी गैस के सब्सटेंस। तो अब बेटा हम लोगों ने ले ली ट्यूब, इसमें हम लोगों ने यू करना है एक ना वो ले लेना है। हमारी लैब में पड़े होते हैं NH3 सोल्यूशन जो अमोनिया गैस का है लिक्विड फॉर्म में, और साथ में हम लोगों ने ले लिया HCl लिक्विड फॉर्म में। उस लिक्विड फॉर्म में लेने के बाद उसके अंदर ना ये जो कॉटन होती है रुई, वो लेनी है कॉटन प्लग, उसका एक गोल सा हम लोगों ने टुकड़ा बना लेना है। उस कॉटन प्लग को हम लोगों ने भिगोना है, डिप करना है अच्छे से। डिप करने के बाद ये जो ट्यूब हम लोगों ने ली है ना ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के दोनों साइडों के ऊपर हम लोगों ने उन प्लग्स को लगा देना है। और इन प्लग्स को लगाने के बाद हम लोगों ने इधर साइड के ऊपर ना कोई भी टेप लगा देनी है या कोई ऐसी चीज लगा देनी है कि गैस के पार्टिकल्स अगर HCl के या NH3 के बने तो वो बाहर ना निकल पाए, यानी कि रास्ता बंद कर देना है बाहर निकलने का। हम लोगों ने इनको अलाउ करना है कि ये ट्रेवल करें विद इन दैट ट्यूब, उसी ट्यूब के अंदर ही ट्रेवल करें, ये इस साइड पर ट्रेवल करे, ये इस साइड पर ट्रेवल करे, ये बाहर ट्रेवल ना करे, ये बिना ट्रेवल करे। लेट्स सपोज हम लोगों ने यहां पर ले लिया है बेटा NH3, यहां पर हम लोगों ने ले लिया है HCl, ठीक है। अब ये बताओ मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3 का ज्यादा होगा या HCl का ज्यादा होगा, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा किसका कम होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा उसके मोलर मैस के साथ पता चलेगा। तो हम लोग दोनों का मोलर मैस मालूम कर लेते हैं, मोलर मैस ऑफ NH3, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 14 टोटल हाइड्रोजन 3 है, तो 14 प्लस 3 कितना हो गया 17 ग्राम्स पर मोल। इसके बाद मोलर मास ऑफ HCl, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, टोटल किया तो किसका मास ज्यादा है? मोलर मास HCl का ज्यादा है, तो मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। मोलर मास किसका कम है? NH3 का कम है। जब NH3 का मोलर मास कम है तो मतलब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो जब ये NH3 और HCl NH3 के वेपर्स इस साइड पर मूव करेंगे, HCl के वेपर्स इस साइड पर मूव करेंगे, बाहर नहीं मूव करेंगे। HCl के वेपर्स इस साइड पे, NH3 के इस साइड पे, NH3 प्लस HCl। तो दरमियान में एक पॉइंट आएगा जब ये आपस में मिलेंगे, तो मिलने के बाद ना बेटा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाना शुरू करते हैं, और यही अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो कुछ यहां पर जाहिर होगा सेंटर से HCl वाली साइड पे, यानी कि लेट्स सपोज सेंटर जो है ना ये 100 सेंटीमीटर लेंथ की है, तो सेंटर यहां पे बन रहा है फॉर एग्जांपल, सिर्फ सपोज कर रहे हैं। तो ये दूसरी साइड पे HCl वाली साइड के ऊपर जाके ना हमें अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा, तो जब HCl वाली साइड पे जाके अपीयर होता हुआ दिखाई दिया तो जाहिर सी बात है हमें क्या पता चला NH3 ने ट्रेवल ज्यादा किया। जहां पर NH4Cl बनेगा वहां पर व्हाइटिश सरफेस थोड़ा सा बन जाएगा, जैसे बादल नहीं होते उस तरीके से व्हाइटिश क्लाउड थोड़ा सा बन जाएगा, और हम लोग समझ लेंगे कि यहां पर रिएक्शन हो रहा है। मतलब रिएक्शन जहां पर हो रहा होगा वहां पर दोनों चीजें आपस में मिल रही है, तो इधर वाला एरिया HCl ने कवर किया, इधर वाला एरिया HCl ने कवर किया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों की लेंथ मेजर कर लेंगे। NH3 ने जो ट्रेवल किया वो फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल कर लिया कितना ट्रेवल कर लिया 59.5, हम लोग सपोज कर लेते 59.5 सेंटीमीटर NH3 ने सपोज कर लिया, बाकी कितना बचा 40.5 जो है ना HCl ने ट्रेवल कर लिया। अब हम लोगों ने क्या देखना है, अब हम लोगों ने ये जो राह है ना R1/R2=m2/m1 का स्क्वायर रूट, ये हम लोगों ने बेटा प्रूव कर, इसको ले आएंगे, इसको लिखेंगे
हम लोग यहां पे NSA को गैस ट्रांसपोज कर लेते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन NS3 का डिवाइड बाय ये जो HCl है उसको गैस ट्रांसपोज कर लेते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये किसके इक्वल आएगा, मोलर मास ऑफ HCl, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NH3 इसका स्क्वायर। बेटा जगह थोड़ी सी मैंने लाइंस लगाई हुई है, इस वजह से मैं एक लाइन के अंदर ही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, वो जो दरमियान में लगाया हुआ ना वो बटा यानी कि डिवीजन का एक साइन। अब हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, रेट ऑफ डिफ्यूजन NH3 का कि कितना ट्रेवल किया, 59.5 सेंटीमीटर। HCl ने कितना ट्रेवल किया, 40.5 सेंटीमीटर। मोलर मास ऑफ HCl, HCl का मोलर मास 36.5, NH3 का मोलर मास 17, और इस होल का स्केल। फिर बेटा हम लोग इनको आपस में से मिला के डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड कर देंगे यहां पर आंसर आएगा 1.46 इक्वल है 1. यानी कि दोनों साइडों के ऊपर क्या आ गया, 1.46 1.46 जो है ना वो हमारा आंसर आ गया। इसके जरिए से क्या चीज प्रूव हो जाती है, इसके जरिए से हमें ये प्रूव हो जाता है कि ये जो ग्राहम ग्राफ डिफ्यूजन है इसमें अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो रहा है, लेकिन इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट एक कॉन्स्टेंट के इक्वल आता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड स्केल ऑफ रूट ऑफ इट्स डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वही चीज यहां पर प्रूव हो गई है बेटा कि अगर किसी गैस का मोलर मास ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, अगर मोलर मास कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम लोग उनका प्रोडक्ट निकालेंगे कॉन्स्टेंट के इक्वल ही आएगा। ये बेटा हमारा ग्रहण मिश्रा से पूछा, जो डेमोन्स्ट्रेशन है ग्रहण मिश्रा की, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ग्रहण मिश्रा की, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।